हेलो डियरी स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बी फार्मा, थर्ड सेमेस्टर की हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक न्यू टॉपिक। पिछले लेक्चर में हमने बता दिया था कि कौन सा टॉपिक हम स्टडी करेंगे। तो टॉपिक है हमारा क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। तो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बिकॉज हमारे चैनल पे लगभग सभी सेमेस्टर के लेक्चर्स अपलोड हैं। थर्ड सेमेस्टर का हम स्टार्ट कर चुके हैं, बाकी फोर्थ फिफ्थ के लेक्चर्स और अपलोड करने हैं। बाकी सभी लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे विथ नोट्स। तो स्टार्ट करेंगे इसको। टॉपिक है हमारा क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था रियल सॉल्यूशन एंड पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। तो पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स में क्या था कि दो फेजेस थी। एक था हमारा फिनोल। तो ये एक दूसरे के अंदर बहुत ही कम अमाउंट में ही मिक्स हो रहे थे। तो अब इनको मिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हमें पड़ने वाली है। तो जो टेम्परेचर इनको मिक्स कर देगा दोनों फेजेस को, उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो ये इस एग्जांपल से आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि एक एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर की। तो बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन देख लीजिए आप, इट इज ए टेम्परेचर। क्या है? एक टेम्परेचर है एट विच को एक्सिस्टिंग लिक्विड आर कंप्लीटली मिसिबल। मतलब ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे के अंदर बहुत ही कम अमाउंट में मिक्स हैं, आर मिसिबल विच ईच अदर, एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर टू इमिसिबल लिक्विड आर मिसिबल एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वन फेज लिक्विड सिस्टम। पहले टू फेजेस थी और अब क्या बन जाएगा, कंबाइंड होके मिक्स होके वन फेज बन जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। मतलब जो भी टेम्परेचर यहां पे अप्लाई किया गया है उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर बोलेंगे। तो आई होप डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। बहुत ही इजी डेफिनेशन है, टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको। बात कर लेते हैं टाइप्स की। सीएसटी इज ऑफ टू टाइप। सीएसटी का मतलब क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। टू टाइप के हैं, अपर कंसोल्यूट टेम्परेचर, लोअर कंसोल्यूट टेम्परेचर। क्या डिफरेंस? डिफरेंस यह है, एक टेम्परेचर हाई की ओर जा रहा है, एक टेम्परेचर लो की ओर। तो मिनिमम टेम्परेचर तो किसी भी सॉल्यूशन में होता ही है। जैसे अपना रूम टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेल्सियस एवरेज, या इससे कम होता है, बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री होता है। तो उसी अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन जो होता है उसका टेम्परेचर होता है। तो जो मिनिमम लोअर सॉल्यूशन होगा तो उसको बोलेंगे हम लोअर कंसोल्यूट, इस पर कंप्लीटली मिसिबल नहीं होंगे लिक्विड्स। और जो अपर कंसोल्यूट टेम्परेचर होगा उसके अंदर ये फेजेज एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएगी और एक फेज का ही, सिंगल फेज का ही फॉर्म कर लेंगे। देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। अपर कंसोल्यूट टेम्परेचर, the temperature above which the component of two liquid phase system behave like a single liquid। मतलब ऐसा temperature जिसके ऊपर two phases के जो components होते हैं वो एक दूसरे के अंदर mix होके एक phase की तरह behave करें, तो उसको हम बोलेंगे upper consolute temperature। Example देखिए, phenol water system जिसका CST है 66.8 degree Celsius। इतने temperature पे ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के अंदर मिक्स होके एक सिंगल फेज फॉर्म करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। ये इसका ग्राफ है, ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना है एग्जाम के अंदर, जिससे एग्जामिनर अच्छे मार्क्स आपको देगा। तो ग्राफ में क्या है, ये अपर की ओर जा रहा है टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर हमने बढ़ाया, एक लेवल ऐसा आ जाएगा 66 जो डिग्री सेल्सियस होगा उस पर हमारा जो सोल्यूशन है कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर हो गया। ये परसेंट वेट ऑफ फिनोल की, कितना फिनोल है जो मिक्स हो रहा है इसके अंदर। तो ये ग्राफ आपको याद कर लेना है। सेकंड है लोअर कंसोल्यूट टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर लोअर विच द कंपोनेंट ऑफ टू लिक्विड फेज सिस्टम बिहेव लाइक ए सिंगल लिक्विड फेज। मतलब कि
ऐसा कम से कम टेम्परेचर जिसके ऊपर, जैसे यहां पर हमारा जो मिक्स हुआ है वो 66 डिग्री सेल्सियस पे हुआ है, और ऐसा कम से, ये हाईएस्ट टेम्परेचर हो गया, ऐसा कम से कम टेम्परेचर जिसके ऊपर हमारा जो टू फेजेस हैं वो मिक्स होगी। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक्स हो गई थी, उसको करेक्ट कर लेना। जो लोअर कंसोल्यूट टेम्परेचर, उसके अंदर क्या होता है कि ऐसा कम से कम टेम्परेचर होता है जिसपे ये मिक्स होते हैं। यहाँ पे मैंने बोला था आपको शायद कि मिक्स नहीं होंगे, लेकिन मिक्स होते हैं वो, उसके लिए सॉरी। तो सॉरी, तो इसमें बिहेव करेंगे, मतलब कम से कम टेम्परेचर हो गया। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। ट्राई इथाइल एमीन वाटर, ये जो सॉल्यूशन है ये बेसिकली 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही एक टू फेजेस से वन फेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे, अपर कंसोल्यूट और लोअर कंसोल्यूट। बात कर लेते हैं, इसका जो फेज डायग्राम होगा ये बहुत ही ऐसे लोअर की तरफ होगा, यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर होगा वो होगा, और ये हमारा मोलर फ्रिक्शन ऑफ ट्राई मिथाइल एम इनका हो गया, ये इधर टेम्परेचर हो गया। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ सीएसटी। टाई लाइन हेल्प टू फाइंड कंसंट्रेशन एट विच बोथ फेजेज एक्सिस्टिंग एज सिंगल फेज, मतलब कि कंसंट्रेशन को पता करने के लिए क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर का यूज हम कर सकते हैं। द फेज डायग्राम कैन यूज टू टेस्ट प्यूरिटी ऑफ फिनोल एंड अदर सब्सटेंसेस, और जो डायग्राम हम बनाते हैं फेज डायग्राम, उसकी हेल्प से प्यूरिटी का भी पता किया जा सकता है, जैसे फिनोल या और भी कोई सब्सटेंस है उनकी प्यूरिटी का पता किया जा सकता है। तो ये टॉपिक यहीं खत्म करेंगे। आई होप ये कंप्लीट लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर की डेफिनेशन, टाइप्स, अपर कंसोल्यूट और लोअर कंसोल्यूट, उसके अलावा फेज डायग्राम्स जो ये ड्रॉ किए गए हैं ये आपको याद रखनी है, इसके अलावा एक दो आप इसके एप्लीकेशन याद कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए। धन्यवाद।